हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम जाने वाले हैं एकवीरा टेम्पल। ये लोनावला के पास ही पड़ता है, तो हम लोग अभी वापस जाने की तैयारी में हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जाने से पहले एकवीरा टेम्पल भी होके आते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ हरियाली है। छोटा सा टाउन है ये, लेकिन बहुत सुंदर है, देखने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे खूब एंजॉय करा। क्लाउडी है, रेन तो यहाँ पे होती रहती है। हमने नोटिस करा है कि हम अचानक से एकदम बारिश स्टार्ट होती है और फिर रुक जाएगी, तो ये चीज़ बार बार यहाँ पे चलती रहती है। शायद इसीलिए यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। सो हम लोग वापस जा रहे हैं सेम वे, पावना लेक से क्रॉस करते हुए। मैं यहाँ कनाडा में जो इंडियन भुट्टे होते हैं वो बहुत मिस करती हूँ। तो जब हम लोग वहाँ पे गए हैं बॉम्बे, तो हम लोगों ने खूब भुट्टे खाए वहाँ पे। ये मेरा जो अभी पेंडिंग था चाव, वो मेरा पूरा हो गया। तो एकवीरा टेम्पल के बाहर ये हमने केव्स देखी, ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत पुरानी केव्स है। इसको खूब संभाल के रखा गया है, क्योंकि आप इसके अंदर चप्पल पहन के नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हजारों साल पुरानी बिल्डिंग है। और इसके बिल्कुल ही साथ में एकवीरा टेम्पल है। मुझे इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें टुगेदर कैसे हैं, बट ये बिल्कुल एक साथ या आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो यहाँ बाहर से व्यू देखिए, तो यहाँ से केव्स है, जैसे हम लोग देख रहे हैं ऊपर केव्स बने हुए हैं, और इसके बिल्कुल साथ में ही एकवीरा टेम्पल है राइट साइड पे। हमने यहाँ काफ़ी पिक्चर्स ली हैं, काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आती हैं। फिर हम लोग वापस, जब वहाँ यहाँ से मंदिर माथा टेक के वापस गए, तो रास्ते में हम लोग बुशी डैम रुके। बुशी डैम में काफ़ी रश था, आई थिंक गर्मी बहुत होने की वजह से लोग बहुत पहुँच गए। मुझे काफ़ी रिस्की भी लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेयर केस नहीं था। आप जैसे टूटे फूटे पहाड़ में से जैसे रास्ते निकाल निकाल के चल रहे हो, तो मुझे थोड़ा डर लगा यहाँ पे। और दोनों तरफ डीप है, खाई की तरह। फिर भी हम लोग एंजॉय तो कर ही रहे थे, बट इट वाज सो स्केरी। मैं अंदर से खूब डर रही थी, ऊपर से चाहे जितना मर्जी मैंने ड्रामा कराए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। बुशी डैम भी देख लिया हम लोगों ने, एकवीरा टेम्पल भी हो गया, केज भी हो गए। तो अभी पहले तो मैं सोचा था कि हम लोग रास्ते में रुकेंगे खंडाला पॉइंट पर क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमें अगले दिन फ्लाइट भी लेनी थी वापसी की। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग बाहर से ही
देखते देखते चलेंगे। तो हम लोग खंडाला पॉइंट तो सीधा ही निकल गए थे। दिस ट्रिप वॉज सो मच फन फॉर ऑल ऑफ अस। एक्चुअली इसमें क्या रहा कि एक तो हमारे लिए जगह नहीं थी, दूसरा जो हम लोग कजन्स थे वो बहुत सालों बाद मिले थे सब लोग, तो हमने खूब अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। पुरानी मेमोरीज जो थी उनको हमने याद करा सब कुछ, और अपने खाने वाने जो हमारे पेंडिंग थे, इधर का ये खाना इधर का ये खाना वो सारा कवर करा। तो या इट वॉज सो मच फन। एक चीज़ और, लोनावला में हम लोगों ने जगह जगह पे पढ़ा वज और चिकी और वज वर्ड हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमने ट्राई नहीं करा। ये हमें पता है कि गच्चक को बोलते हैं, लेकिन यहाँ की चिकी टोटली डिफरेंट थी। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो हमारे यहाँ चिकी मिलती है पंजाब में वो ज़्यादा टेस्टी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक माई वीडियो।